You didn't know that it was first offered to Shahrukh. No, I didn't. आमिर खान के सामने खुल गया है तलाश का सबसे बड़ा सस्पेंस. ये सस्पेंस है तलाश के लीड रोल के लिए उनसे पहले शाहरुख खान को ये फिल्म ऑफर किए जाने का. ऐसे में आमिर की अपकमिंग सस्पेंस ड्रामा तलाश के म्यूजिक लॉन्च पर एक ड्रामा तो होना ही था, जिसकी शुरुआत हुई जैसे ही आमिर और फिल्म की डायरेक्टर रीमा कक्ती से जूम ने पूछ ली ये फिल्म आमिर से पहले शाहरुख खान को ऑफर होने की बात. You didn't know that it was first offered to Shahrukh. No, I didn't. And even my other films, I don't know who it's offered to before that. I have absolutely no idea. So, but next time somebody offers me a film, I'll include this question. अब आमिर ये बात महज मजाक में कह रहे हैं या सीरियसली, इसका जवाब वही दे सकते हैं कि वो आगे से कोई फिल्म साइन करने से पहले ये जरूर पूछेंगे कि कहीं ये फिल्म पहले शाहरुख खान को तो ऑफर नहीं की गई थी. वैसे जहां इस इवेंट में एसआरके के साथ कई सालों से चले आ रहे अपने कंपटीशन को आमिर ने भुनाने में देर नहीं की, वैसे ही सलमान से उनकी दोस्ती का जिक्र क्या हुआ आमिर ने ये मौका भी नहीं छोड़ा. सलमान खान साहब की तलाश के बारे में आप ही बताते हैं मुझे, तो आज कुछ कह दें, 2.5 महीने हो गए कोई तलाश नहीं मिली. सलमान साहब की तलाश के बारे में मैं क्या बताऊं, वो किसी की सुनते हैं तभी तो बताऊंगा मैं. सुनते कहां है वो किसी, मेरी कहां सुनते हैं भाई. Well, लगता है आमिर ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं. शायद इसीलिए जो आमिर कल तक सलमान भाई की शादी करवाने के पीछे पड़े थे, उन्हें अब दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स की सलमान की शादी की कोशिश भी बेकार ही लग रही है. ऐसी ही कोशिश रिसेंटली करण जौहर ने सलमान भाई के शो पर जाकर की थी, जहां करण सलमान को एक लड़की पसंद करने के लिए खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर से भरा एक पूरा का पूरा एल्बम दे आए थे. एक फोटो एल्बम कम पड़ेगा उनके लिए, एक फोटो एल्बम कम पड़ेगा उनके लिए. वैसे अपने दोस्त सलमान पर बोलने के लिए आमिर को एक इवेंट भी कम पड़ेगा, फिर भी उन्होंने सलमान भाई का जिक्र अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं कई जगह किया. फिर वो तलाश में एक कॉप के अवतार में हैं, तो ऐसे में सलमान के चुलबुल कॉप अवतार से उनका कंपैरिजन कैसे ना होता. आई डोंट थिंक हम लोग या मैं उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ. ये सारी फिल्में जो हैं बहुत ही कामयाब फिल्में हैं, जो जिसमें अजय और सलमान और अक्षय ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है, और ये थोड़ी अलग हटके है. इसमें जो मेरा किरदार है वो इतना रंगीन नहीं है जैसे चुलबुल पांडे का था दबंग में, या तो वो खुद अपने अतीत के साथ अपने जज्बातों के साथ जूझ रहा है. अब भले ही सलमान से अपनी दोस्ती की वजह से आमिर उनसे कंपटीशन की बात से इनकार करें, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आमिर की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने वाली हो और आमिर उसके प्रमोशंस का कोई बड़ा प्लान ना बनाए. तो अब हम आपके सामने आमिर का वो प्लान भी रिवील कर देते हैं, जिसके जरिए वो धमाकेदार पब्लिसिटी करेंगे तलाश की. इसमें मैं गायब होने वाला हूँ, आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे. अब क्या आमिर तलाश के प्रमोशंस के लिए वाकई गायब होने वाले हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह अपनी पिछली सुपर डुपर हिट 3 Idiots के प्रमोशंस के लिए वो रूप बदल कर गायब हो गए थे. इसमें मैं गायब होने वाला हूँ, आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे, आई होप. Well, अब आमिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, तो वी आर श्योर वो अपनी पिछली प्रमोशनल स्ट्रेटजी को रिपीट तो नहीं करेंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे अपनी तलाश को प्रमोट करने का. पर हाँ, इस बात में जरूर डाउट है कि वो क्या वाकई अपनी आने वाली फिल्मों को साइन करने से पहले फिल्म मेकर से ये पूछने वाले हैं कि कहीं ये प्रीवियसली SRK को तो ऑफर नहीं की गई. You didn't know that it was first offered to Shahrukh. No, I didn't. And, even my other films, I don't know who it's offered to before that. I have absolutely no idea. So, but next time somebody offers me a film, I'll include this question. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai.